हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन शेयर टिप्स डॉट कॉम। और आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम आपको एक ऑस्ट्रेलियन केस स्टडी के साथ आपको बताएंगे कि आपको अपना प्रोविडेंट फंड को एक्सटेंड क्यों करते रहना चाहिए, भले ही उसका 15 साल का पीरियड हो जाए। तो चलते हैं मेन टॉपिक पे। टॉपिक है व्हाई पीपीएफ अकाउंट शुड बी ऑलवेज एक्सटेंडेड। तो आपको पता होगा कि पीपीएफ अकाउंट जो आपका होता है वो जनरली 15 इयर्स का होता है, और उसके बाद आप उसको एक्सटेंशन कर सकते हैं एवरी 5 इयर्स। हर 5 साल का एक्सटेंशन आप ले सकते हैं, भले ही आप उसके अंदर आप फर्दर प्रीमियम पे करें एनुअली या ना करें। तो हम इसको एक ऑस्ट्रेलियन केस स्टडी के साथ देखेंगे और समझेंगे कि कैसे ये चीज आपके पब्लिक प्रोविडेंट फंड के साथ लागू होती है। तो ये केस स्टडी है रैबिट्स की, जो कि ऑस्ट्रेलिया में इंट्रोड्यूस किए गए थे बाय अ रैंचर, जिसने 1859 में अप्रोक्सीमेटली 24 रैबिट इंट्रोड्यूस किए थे। 24 रैबिट्स 1859 फॉर गेम हंटिंग के रैबिट्स का शिकार करेंगे, और ये 24 रैबिट्स बिकेम अ प्रॉब्लम फॉर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट टू हैंडल। वो हम आपको दिखाएंगे कैसे। बाय 1900 द रैबिट पॉपुलेशन हैड इंक्रीज टू सेवरल हंड्रेड मिलियन स्पैनिंग मोस्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट। तो इसको हम ईयर वाइज देखते हैं डाटा को। तो रैबिट का पॉपुलेशन 1859 में इंट्रोड्यूस किया 24 रैबिट, शिकार के लिए आदमी कहीं से लेकर के आ गया और उसने ऑस्ट्रेलिया के अंदर 24 रैबिट्स को छोड़ दिया। 5 साल के अंदर उनकी फिगर हो गई 108, नो प्रॉब्लम फॉर एनीवन। 20 साल के अंदर हुई 9700, इट वॉज स्टिल नॉट ए प्रॉब्लम। और 35 इयर्स में हो गई 9 लाख, स्टिल नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि हर 2 किलोमीटर के एरिया में यू कुड हैव फाउंड 1 or 2 रैबिट, सो इट वॉज नॉट ए प्रॉब्लम फॉर द रेजिडेंट्स। 45 इयर्स आफ्टर इंट्रोडक्शन रैबिट्स बिकेम 17.5 मिलियन, स्टिल नॉट ए प्रॉब्लम। And 66 years down the line, they became 9.59 billion. It was such a mega problem, इतना बड़ा problem हो गया कि वो वहाँ पे उनके जानवरों को खाने के लिए पत्ता नहीं मिल रहा था कि rabbits इतनी ज़्यादा तादाद में हो गए। आप समझ सकते हैं कि 9.59 billion हमारी total human population से भी almost double के करीब, अगर हम माने के 5 billion से ज़्यादा है, but 5 बिलियन से लेट्स से 10 बिलियन तो ह्यूमन पॉपुलेशन से भी ऑलमोस्ट डबल हो गया था। तो इट इज सेड दैट कि अर्थ एज अ अर्थ जो है तकरीबन 5 बिलियन ह्यूमंस को अच्छे से रख सकती है, उसके बाद जो एंटिटीज ऐड हो रही हैं ह्यूमन पॉपुलेशन की वो उसके ऊपर भार है। तो इसीलिए पॉपुलेशन कंट्रोल ह्यूमंस में भी बहुत जरूरी है, और ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे 66 साल के अंदर 9.59 बिलियन और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट इसके साथ लड़ रही है कि कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। अब हम इसी चीज को लगाते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड के अंदर। मान लीजिए आपने 1.5 लाख जो कि मिनिमम मैक्सिमम आप इन्वेस्ट कर सकते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड में, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.1% पे आपने इन्वेस्ट कर दिया, एंड यू आर गोइंग टू गो फॉर 15 ईयर्स। तो 15 साल में आपके पास 1.5 लाख हर साल इन्वेस्ट करने से आपके पास बनेंगे सिर्फ 41 लाख। पर अब यही आप एक्सटेंशन हर 5 साल का इस प्रोविडेंट फंड में लगाएंगे तो 20 साल में हो जाएगा 67 लाख, यानी कि 15 + 5, नेक्स्ट 20 + 5 एक्सटेंशन 25 इयर्स में हो जाएगा 1.03 करोड़। तो आप बन गए करोड़पति। अब मैजिक देखिए, 25 + 5 में आप
दैट इज 30 इयर्स में आपके पास तकरीबन 1.46 करोड़ रुपीस हो जाएगा। एंड दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो आपने इस रैबिट के एग्जांपल से समझना है और उसको अपने प्रोविडेंट फंड के अंतर्गत लगाना है। तो याद रखिए, अपने प्रोविडेंट फंड को मत छेड़िए और 15 साल होने के बाद भी उसको 5 साल के लिए हर 5 साल पे उसको एक्सटेंड करते जाएं, सो दैट यू गेट द रियल बेनिफिट ऑफ कंपाउंडिंग। अगर आप देखें तो मैक्सिमम बेनिफिट आपका कंपाउंडिंग का आया 20 से 25 साल में, और उससे भी सुपर डुपर कंपाउंडिंग आया 25 से 30 साल। और अगर कोई इसको फर्दर 35 इयर्स कर दे, 5 साल का और एक्सटेंशन, तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट ही विल बी इन 2+ CR कैटेगरी, एंड यू कैन फाइंड आउट बाय CAGR रूल। कैलकुलेटर्स आर अवेलेबल ऑन द नेट। तो हमारा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि एज अ सैलरीड एम्प्लॉयड अपने प्रोविडेंट फंड को ना छेड़े। ये नहीं करना कि मैं प्रोविडेंट फंड को तोड़ करके स्टॉक मार्केट में लगा देता हूँ और इसमें लगा देता हूँ उसमें लगा देता हूँ, कुछ नहीं। प्रोविडेंट फंड का जो आपने पैसा है उसको आप सेफली उसी में इन्वेस्ट रहने दें और उसको पावर ऑफ कंपाउंडिंग देते रहें, ताकि वो आपको अच्छा रिटर्न देगा और आप अपने जीते जी क्या बन जाएंगे, करोड़पति। तो अगर कोई बोले कि करोड़पति बनना है तो उसके लिए क्या इंटेलेक्ट चाहिए या पेशेंस चाहिए? इंटेलेक्ट और पेशेंस। तो करोड़पति बनने के लिए आप अगर नॉर्मल जॉब भी कर रहे हैं और दिया हुआ 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट कर पा रहे हैं, तो आप सिर्फ अगर पेशेंस भी रखेंगे तो यू विल बिकम ए करोड़पति। तो इस चीज को हमेशा याद रखें, पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपके फेवर में काम करेगा, बिकॉज टाइम ऑलवेज एक्ट्स इन योर फेवर। ज्यादा इंटेलेक्चुअल आदमी बनने का जरूरत नहीं है, पेशेंस से काम करेंगे यू विल बी ए करोड़पति, और अपना आप रिटायरमेंट का जिंदगी अच्छे से जी पाएंगे। और अगर आप फिर भी कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो आप हमारे बैंक निफ्टी ऑप्शन टिप्स में जुड़ सकते हैं, जिसमें हम रोजाना कॉल प्रोवाइड करते हैं और उसके अंदर आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं सिर्फ मॉर्निंग आवर्स में 1 घंटा देकर के 9:15 to 10:15 hours। इतना ही समय देना है और उसके अंदर आपका अच्छा मुनाफा हो सकता है, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करेंगे। याद रखें, स्टॉप लॉस इज नॉट योर एनिमी बट अ फ्रेंड, एज इट इज अ रिस्क कंट्रोल मैकेनिज्म। हमारे क्लाइंट का वीडियो टेस्टिमोनियल सुनिए। Hello guys, I am Vikas from Coimbatore, Tamil Nadu. I am using Indian share tips, Bank Nifty option tips and getting regular profits. Thank you. तो हमें उम्मीद है कि आपका वीडियो टेस्टिमोनियल इन व्यक्ति का सुनकर के यू कैन मेक अ डिसीजन। हमारे वेबसाइट पे जाइए, वहां पे वीडियो टेस्टिमोनियल्स का लिंक है, उस पे क्लिक करके आप सारे वीडियो टेस्टिमोनियल्स भी देख सकते हैं। और ऑब्वियसली लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, कमेंट भी करें और इसको फॉरवर्ड और भी ग्रुप्स में करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ऑस्ट्रेलियन एनालॉजी ऑफ रैबिट्स से बेनिफिट उठा सकें और आप भी जिंदगी में करोड़पति बन सकें। बैंक निफ्टी ऑप्शन टिप हमारा सबसे अच्छा प्लान है, 9:15 to 10:15 AM, बस इतना ही समय देना है। और अगर मॉर्निंग में आप बिजी हैं, ट्रेवल कर रहे हैं उस समय के दौरान, आफ्टरनून सेशन में हमारा निफ्टी ऑप्शन का कॉल आता है, 10,000 कैपिटल के साथ आप दोनों बैंक निफ्टी ऑप्शन और निफ्टी ऑप्शन दोनों ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि ये जनरली दोनों डिफरेंट टाइम फ्रेम में ट्रेड होते हैं। बैंक निफ्टी ऑप्शन मॉर्निंग टाइम फ्रेम में होता है, निफ्टी ऑप्शन आफ्टरनून टाइम फ्रेम में होता है। अब ये कोई नहीं कह सकता कि यार मेरे पास कैपिटल नहीं था इसलिए मैं स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं कमा सका। कम से कम हर आदमी के पास हम कह सकते हैं कि 10,000 का कैपिटल होगा, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है या आपको स्टार्ट करने में कोई दिक्कत है तो वी कैन हेल्प यू आउट, अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द मार्केट एंड गेट यू स्टार्टेड। आपकी सक्सेस में हमारी सक्सेस है। एंड लास्टली गो थ्रू द डिस्क्लेमर एंड वी लुक फॉरवर्ड फॉर एन एसोसिएशन विद यू। थैंक यू।